hope you all are good. Let's start our reading of chapter number 3, Living on Earth. Page number 26, topic reproduction. Reproduction, okay? Animals give birth to young ones. Other animals such as birds, reptiles and insects produce eggs. In these ways, animals produce their own kind. जानवर give birth to young ones मतलब बच्चों को जन्म देते हैं, बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है? जानवर बच्चों को पैदा करते हैं, अपनी जनरेशन बढ़ाते हैं, एक से अगला बच्चा, ठीक है? मतलब एक जानवर से दूसरा जानवर, जिस तरह जैसे कि अभी मुर्गी है, मुर्गी की जनरेशन किस तरह बढ़ेगी, किस तरह वो रिप्रोड्यूस करेगी, अंडों के अंडे देगी, उससे चूजे, और इस तरह इसकी ये जो है मतलब एनिमल्स हैं ये इस तरह आगे चलते हैं, जिस तरह इंसान इंसान के बच्चे हैं ना, इस तरह जानवरों के भी हैं, ठीक है? तमाम लिविंग थिंग्स रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, तो ये उस तरीके से है। अदर एनिमल्स सच एज बर्ड्स, रेप्टाइल्स, कुछ जानवर जैसे कि परिंदे, रेप्टाइल्स होता है बच्चों रेंगने वाले जानवर, ठीक है? एंड इंसेक्ट्स और कीड़े मकोड़े प्रोड्यूस एग्स, अंडे देते हैं। इन दीज वो कुछ जानवर बच्चों को ही जन्म देते हैं, ठीक है? मतलब इस तरह होता है जैसे कि अब एक भैंस को देख लें, ठीक है? भैंस अंडा नहीं देगी, भैंस अपना बेबी जो होगा, ठीक है, उसका बेबी होगा। लेकिन जो अब ये मुर्गी है, मुर्गी किस तरह रिप्रोडक्शन का काम करेगी, अंडे की सूरत में। तो इस तरह बहुत से परिंदे, बहुत से कीड़े मकोड़े और बहुत से जानवर ऐसे हैं जो कि इस तरीके से अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। मैनी मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स। अब जानवर इंसान इस तरीके से करेंगे तो पौधे किस तरीके से, क्या पौधे अंडे देते हैं? नहीं, मोस्ट प्लांट्स प्रोड्यूस सीड्स, पौधे सीड्स की मदद से करते हैं, सीड्स बीज पैदा करते हैं, ठीक है? न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स, नए पौधे सीड्स की मदद से पैदा होते हैं। सम प्लांट्स कैन प्रोड्यूस बेबी प्लांट्स फ्रॉम देयर स्टेम्स और लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कि बेबी प्लांट्स, छोटे छोटे बेबी प्लांट्स, ठीक है, बेबी प्लांट्स छोटे छोटे पौधे अपने स्टेम्स में, जड़ों या नहीं स्टेम्स तने में पाए, उनके जो पत्ते होते हैं वहाँ पे आते हैं, पत्तों पे बेबी प्लांट्स आना शुरू होते हैं। वो इस मदद से एडल्ट प्लांट्स जो होते हैं ना, बड़े पौधे, वो छोटे पौधों को जन्म देते हैं, पैदा करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इस तरह से इंसानों में, जानवरों में और पौधों में रिप्रोडक्शन का अमल चलता है। अगर रिप्रोडक्शन का अमल नहीं होगा तो जनरेशन, तो वही जो जैसे जानवर हैं, कुछ जानवर अगर वो जिंदा हैं उसके बाद वो मर जाते हैं, उनके बाद नए जानवर नहीं आएंगे तो उनकी तो नस्ल वहाँ पे ख़त्म हो जाएगी, ठीक है? रिप्रोडक्शन का अमल नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। हैबिटेट्स, द प्लेस वेयर एन एनिमल और प्लांट लिव्स इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट। ऐसी जगह जहाँ पर कोई पौधा या कोई जानवर रहता है उसे उसका हैबिटेट कहेंगे। हैबिटेट को घर भी कह सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, टू सर्वाइव एन एनिमल्स नीड फूड, वाटर, एयर एंड शेल्टर। गुड हैबिटेट प्रोवाइड्स ऑल ऑफ दोज थिंग्स। सम हैबिटेट्स आर स्मॉल एंड अदर आर लार्ज। डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। हैबिटेट में टू सर्वाइव, जिंदा रहना, एक जानवर को जहाँ से खाना मिल सके, हवा मिल सके, पानी मिल सके और उसको पनाहगाह भी मिल सके जहाँ वो रह भी सके, ऐसी तमाम चीज़ें जिस एक जगह पर मौजूद होंगी उसको कहेंगे हैबिटेट। एक अच्छी हैबिटेट में ये तमाम चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है? हैबिटेट बड़ी भी हो सकती है, छोटी भी हो सकती है। मुख्तलिफ़ जानवरों की मुख्तलिफ़ तरह की हैबिटेट्स होती हैं, ठीक है? वो मुख्तलिफ़ अंदाज से, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से रहना पसंद करते हैं। अब फील्ड, अब ये देखें, इसमें आपको मुख्तलिफ जानवर नज़र आ रहे हैं, उनकी मुख्तलिफ हैबिटेट्स हैं। अब फील्ड इज़ द नेचुरल हैबिटेट फॉर अ रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इंक्लूडिंग बटरफ्लाइज, ग्रास, माइस एंड फ्लावर्स। एक फील्ड, एक मैदान है, ठीक है, एक बड़ी सी खुला सा मैदान है, उसके बारे में बात की जा रही है कि उस वो एक नेचुरल कुदरती हैबिटेट है और उसमें मुख्तलिफ बहुत सी इकसाम के जानदार रहते हैं, ठीक है? वहाँ पे कीड़े मकोड़े भी हो सकते हैं, वहाँ पे रेप्टाइल्स भी हो सकते हैं, तरह तरह के जानवर, बटरफ्लाइज, ग्रास, ज़मीन पे जो घास है वो भी, ठीक है? इसके अलावा चूहे, पौधे, फूल, हर तरह के लिविंग थिंग्स इसमें शामिल होंगे। प्लांट्स इन अ फील्ड आर अडॉप्टेड फॉर ग्रोइंग इन लॉट ऑफ लाइट्स, लॉट्स ऑफ लाइट। अब पौधे उस जगह पे उस जगह होंगे तो वो क्या बहुत ज़्यादा रोशनी की, वो उस जगह पे उगते हैं बहुत ज़्यादा रोशनी की मदद से, मतलब उन्होंने अपनी अडॉप्टेशन देख ली कि उनको वहाँ पे पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है, रोशनी भी मिल रही है, तो उनके लिए तो वो गुड हैबिटेट। द एनिमल्स आर अडॉप्टेड टू लिविंग इन द फील्ड टू, देर आर स्मॉल एंड कैन हाइड फ्रॉम लार्जर प्रीडेटर्स सच एज बर्ड्स एंड फॉक्सेस। मैनी ऑफ दैम डिग बरोज और लिव अमॉन्ग प्लांट्स। अच्छा, कुछ जानवर ऐसे हैं जो उनको ये फील्ड किस तरह सूट की है, वो ऐसा है कि वो अपने शिकारी, जो उनका शिकार करते हैं जानवर, उनसे बच सकते हैं।
जैसा कि एक रैबिट वो ज़मीन के अंदर अपना बिल बना के ज़मीन के अंदर चला जाएगा, वो छुप सकता है वहाँ पे, ठीक है, उसके लिए वो जगह सूटेबल है। इस तरह डिफरेंट तरह तरह के जानवर अपने देखने के जहाँ पे वो महफूज रह सकें और उन्हें हर चीज़ ज़िंदगी की भी मिल सके, वो उसके मुताबिक अपनी हैबिटेट चुनते हैं। अ लार्ज वाइल्ड एनिमल, बड़े जंगली जानवर सच एज लायंस वुड नॉट फाइंड इनफ फूड इन टू ईट इन अ फील्ड। A lion's natural habitat is a much larger area that includes grasslands, small clumps of trees and rocks. बहुत जो बड़े जंगली जानवर हैं जैसा कि जिनमें लाइन आता है, ठीक है, इसके लिए एक फील्ड काफ़ी नहीं है, क्योंकि एक फील्ड ऐसा है कि वो उसमें से जितने जानवर हैं वो उसको ले पकड़ के अगर खा भी लेता है तो वो तो ख़त्म हो गए। लेकिन उसको एक ऐसा नेचुरल कुदरती हैबिटेट चाहिए जो बहुत बड़ा भी हो, जिसके अंदर ग्रास लैंड घास वाली जगह भी हो, दरख्त भी हो, चट्टाने भी हो, हर तरह की चीज़ें हों, ताकि उसको छोटी जगह पे वो नहीं रह सकता, ठीक है, वो एक जगह पे महसूस जगह पे नहीं रह सकता। दे कैन हाइड, वेट अ मिनट, दे कैन हाइड देमसेल्फ इन दीज एरियाज व्हेन दे हर्ट देयर हंट देयर प्रे अदर लार्ज एनिमल्स सच एज डियर एंड बफलोस। लायंस हैव शार्प टीथ एंड क्लॉज टू हेल्प देम हंट। अच्छा, अब ये जानवर क्या करते हैं, ये वहाँ पे इनको ऐसी जगह भी चाहिए होती है जहाँ पे ये छुप सकें, छुप के शिकार कर सकें, ठीक है। शेर वगैरह क्या करते हैं, शेर अचानक नहीं, ये लोग छुप जाते हैं एक जगह पर, उसके बाद अचानक से हमला करके अपने शिकार को पकड़ते हैं। शिकार में इनके या तो हिरन या भैंसें और इस तरह की चीज़ें वगैरह होती हैं, जानवर होते हैं, बड़े जानवरों का शिकार करते हैं, क्योंकि इनको ज़्यादा फूड चाहिए होता है, तो ये बड़े गोश्त खोर होते हैं, ठीक है, गोश्त खाते हैं, तो ये जानवरों का शिकार करते हैं। लायंस के क्या होते हैं बच्चों, शार्प तेज़ दांत होते हैं, तेज़ पंजे होते हैं, टू हेल्प देम हंट, जो उनको शिकार करने में मदद देते हैं। हियर आर सम ऑफ द मेन हैबिटेट्स इन द वर्ल्ड विद सम ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन देम। यहाँ पर नीचे कुछ दिए गए हैं ऐसे हैबिटेट्स और बताया गया है कि उधर कौन कौन से जानवर या पौधे रहते हैं। सबसे पहले तो एक हैबिटेट है पोलर रीजन्स, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ होती है, ठंडा इलाका है, उधर पोलर बियर भी होता है, पेंगुइन्स भी होती हैं, ठीक है। अब ये पेंगुइन का हैबिटेट है, वो यहाँ रहना पसंद करती है, उसको यहाँ पर ज़िंदगी की तमाम चीज़ें मिल रही हैं। पोलर बियर को क्योंकि बर्फ़ में रहने का आदी है, ठंड में रहने का आदी है, वो अपना कैमोफ्लैग भी कर सकता है, मतलब अपने वाइट, ठीक है, सरफेस वाइट है, तो वो वहाँ पर छुप भी सकता है, छुप के शिकार भी कर सकता है, ऐसी जगह उनके लिए सूटेबल है। वुल्फ, भेड़िया, सील, एक सील, ये रही सील, आर्कटिक फॉक्स, ये आर्कटिक फॉक्स किधर है, ये वाइट में, ठीक है, सी वीड, हेयर फिश, हेयर फाइटोप्लैंकटन। अच्छा जी, अब ये कहाँ पे है, ये रहा, ये तमाम पौधों की सूरत है, ठीक है। अब इनमें प्लांट्स भी आ गए, एनिमल्स भी आ गए, तो ये एक पोलर रीजन, एक हैबिटेट में देखा आपने कितने लिविंग थिंग्स रह सकते हैं और अपने मुताबिक उन्होंने अडॉप्टेशन की है। अब एक डेजर्ट, डेजर्ट में किस तरह की चीज़ें, किस तरह के जानवर पौधे रहते हैं, श्रब्स, कैक्टस, एंटीलोप, फॉक्स, बस्टर्ड, लिजर्ड, स्नेक, कैमल, ये इन तमाम की हैबिटेट। सी, समंदर में रहने वाले के, कोरल लीफ, सी ग्रास, क्रैब, फिश, लॉबस्टर, टर्टल, व्हेल, डॉल्फिन, मैंग्रोव, तो ये सी की। रिवर्स एंड लेक्स, रिवर्स एंड लेक्स में क्या क्या होता है, फिश, ऑटर, डक, स्वान, रीड, लॉटस, ड्रैगन फ्लाई, फ्रॉग। अब ये तमाम जानवर अपने मुताबिक हैबिटेट्स ढूंढती हैं, अब इनको जहाँ पे रहना पसंद है, जहाँ पे इनको अपनी ज़रूरत की हर चीज़ मिलेगी, जैसे डक है, इसको पानी, झील के पास, लेक्स के पास रहना पसंद है, क्योंकि इसको इधर अपने खाने की चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पे ये सूटेबल इसके लिए माहौल है। व्हेल, ये हर तरह की जो फिश, क्रैब, लॉबस्टर, डॉल्फिन, इनके लिए समंदर। नेक्स्ट, और फॉरेस्ट, टॉल ट्रीज सच एज पाइन्स एंड फिर्स, ब्रॉड, हाँ जी, ब्रॉड लीव्ड ट्रीज सच एज ओक्स एंड एल्म्स, मंकी, पैरट, जैगुआर, फ्रॉग, गोरिल्ला, टाइगर, बियर, एलिफेंट। अब ये जंगल का हैबिटेट है, ठीक है। अब जंगल में रहने वाले जानवर इस चीज़ को पसंद करते हैं, वो जंगल में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके मुताबिक हर चीज़ पसंद है। लिविंग थिंग्स आर अडॉप्टेड टू द हैबिटेट इन विच दे लिव। Adaptation is the word we use to describe how plants and animals have developed special parts that help them to fit into the environment.
अच्छा बच्चों, अब ये लिविंग थिंग्स के बारे में, लिविंग थिंग्स किस तरह अपना हैबिटेट, लिविंग थिंग्स पसंद करते हैं उस तरह अपना हैबिटेट चुनते हैं जहाँ पे वो रहना पसंद करते हैं। एडॉप्टेशन का वर्ड किस लिए, क्या किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, हम किस चीज़ इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि किस तरह पौधे और जानवर अपने हैव डिवेलप स्पेशल पार्ट दैट हेल्प देम टू फिट इन द एनवायरनमेंट, कि वो सिंपल, इन सिंपल वर्ड्स ये है कि ऐसा एनवायरनमेंट वो चुनते हैं जहाँ पे वो रह सकें और अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें, जहाँ पे उनको ज़िंदगी की हर चीज़ भी मिले, तो उसको वो अपना हैबिटेट कहेंगे। तो आज का लेक्चर हमने 29 पेज तक कंप्लीट किया। इंशाल्लाह हम अपना अगला लेक्चर, अपना अगले जो लेसन है वो अगले लेक्चर में करेंगे, जिसमें इकोसिस्टम हमारा आएगा इंशाल्लाह। टिल देन अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।